ये रही दोस्तों हमारे साल भर की मिर्ची, और ये दोस्तों हमने परचेस करी है। बट दोस्तों आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे किस तरह से मिर्ची को मिर्ची से या फिर मिर्ची के बीजों से उगाना है। उन मिर्चियों से आप मिर्ची के पौधे उगा सकते हैं, या फिर आप एक फ्रेश न्यू सीड पैकेट खरीद सकते हैं सीड स्टोर से और फ्रेश न्यू हेल्दी मिर्ची के प्लांट उगा सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से मिर्ची को ग्रो करना है, उसके फूल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने हैं, मिर्ची की बहुत सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस करवानी है, और मिर्ची के फूलों से मिर्ची लाने तक का तरीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल है और कितनी ज़्यादा मिर्चियाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो सीड सेलेक्ट कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं, और ये एक सीड स्टोर से परचेस करे हुए हैं। और अगर आप चाहें तो आप सिंपली अपने प्लांट से मिर्ची लीजिए, उसको सुखाइए और उसके बीज लगा दीजिए, सारे के सारे बीज ग्रो हो जाएंगे। और ये रहे वो हमारे हेल्दी हेल्दी सीड्स जो हम ग्रो करने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों सॉइल मिक्स की बात करी जाए तो सीडलिंग को हम पहले तैयार करेंगे, मतलब पहले हम छोटे से पॉट के अंदर बहुत सारी मिर्चियों के छोटे छोटे पौधे ग्रो करेंगे। उसके लिए सॉइल मिक्स हम यूज़ करने वाले हैं 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट। पॉट साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं, हमने 7 to 8 inches का पॉट लिया है और उसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं हमारे मिर्ची के सीड्स। एंड सेम मिक्सचर से आप उसको कवर कर दीजिए और पानी पिलाकर छोड़ दीजिए 10 से 12 दिनों के लिए। आफ्टर 10 days हमारे मिर्ची के पौधे दोस्तों रेडी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और अब हम इनको इंडिविजुअल पॉट में लगा देंगे। अब कैसे पता चलेगा हमारा मिर्ची का पौधा कब रेडी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर एक ट्रू लीफ नज़र आने लग जाएगी। मतलब पहली जो लीफ होती है वो होती है सीड्स के अंदर से ग्रो हुई लीफ, और उसके बाद जो एक्चुअल शेप और साइज़ जो लीफ का आता है वो होती है ट्रू लीफ। जैसे ही वो नज़र आए आप प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दें। ट्रांसप्लांटेशन के बाद अब यहाँ पर आप प्लांट को वाटर दीजिए और कुछ दिनों के लिए शेडी एनवायरनमेंट में रख लीजिए। पॉट साइज़ की बात करी जाए तो जितना बड़ा पॉट होगा तो उतना बेहतर है, बट यहाँ पर कम से कम आपको 10 से 12 इंच का पॉट लेना है। हमारा ये वाला पॉट 15 इंच के आसपास का है। नियरली 30 डेज के बाद आप हमारे मिर्ची के पौधे को देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये मल्टीपल ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रहा है, और जितनी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज होगी उतने ज़्यादा हमें मिर्ची के पौधे मिलेंगे। अगर आपका प्लांट नहीं करता है तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। आफ्टर 60 days और यहाँ पर हमारा मिर्ची के पौधे अब फ्लावरिंग बड पर आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा घने भी होने लगे हैं। और ये दोस्तों ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये नेचर खुद करती है, एक मिर्ची का पौधा अपने आप को खुद ही फैला देता है। देखो प्यारे प्यारे फ्लावर के साथ छोटी छोटी हमें अब मिर्चियाँ मिलने वाली है। और अगर आपका प्लांट अपने आप से फैल नहीं रहा है तो आप उसकी प्रूनिंग कर लें। जो आप 3G और 2G कटिंग बोलते हैं वो एक्चुअल में प्रूनिंग ही होता है। अब यहाँ पर हम सीखते हैं फर्टिलाइज़र कैसे देना है हमारे चिली प्लांट को, जिससे और ज़्यादा चिली प्रोड्यूस होती रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं और बहुत सारी चिलीज अब आने लग गई है, तो सही समय है प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का। चिली प्लांट की बहुत सारी फाइब्रस रूट्स पॉट के ऊपर की तरफ ही ग्रो होती रहती है, और उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिससे वो प्लांट की ग्रोथ मेंटेन करके रखें और बहुत सारी चिलीज भी प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों हम किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है और हम घर पर ही इसको इजीली बना सकते हैं। और आप एक और फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, वो है वर्मी कंपोस्ट। एंड कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको सॉइल की हल्की सी गुदाई करनी होगी, टीलिंग करनी होगी, जिससे हमारा फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स हो सके। एंड देन थोड़ा सा वाटर ऐड करें जिससे आपका फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाए और ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए और प्लांट उसकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। इन सारे प्रोसेस के बाद आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मल्टीपल चिलीज प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अब चलिए इनको हार्वेस्ट करते हैं और हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी सारी चिलीज ग्रीन है, थोड़ा सा वेट करेंगे और ग्रीन और रेड चिलीज हार्वेस्ट करेंगे। आप यहाँ पर हमारे सारे प्लांट जो देख रहे हैं वो कितने ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं और एक भी लीफ कर्ल नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको आगे वाले पॉइंट में समझाऊंगा, अभी आप देखें सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग और बहुत सारे चिली के फ्लावर जो मिर्चियों में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं एक सीक्रेट पॉइंट बताता हूँ, वो है आपको आपके चिली के प्लांट थोड़े थोड़े समय में आपको ट्रांसप्लांट करने हैं, जिससे आपको एक प्लांट पे मैच्योर चिली मिलेगी तो एक पे फ्लावर मिलेगा और एक पे अपकमिंग चिलीज मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर किया, उस प्लांट पर फ्लावर है, यहाँ पर चिलीज है, और आगे वाले प्लांट में कुछ चिलीज है कुछ फ्लावर है। तो आपको भी कुछ सेम ऐसा ही करना है, हर दूसरे तीसरे दिन आप ट्रांसप्लांट करते रहें तो आपका चिली के प्लांट बहुत ज़्यादा
मिर्चियाँ प्रोड्यूस करने लगेगा और आपको टाइम टू टाइम रेगुलर हार्वेस्टिंग भी मिलती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल। हार्वेस्टिंग का समय आ गया है और यहाँ पर आपको एक सीजर की मदद से ही हार्वेस्ट करना है। अगर आपने खींचतानी करी तो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस टूट जाएगी, स्मॉल स्मॉल फ्लावर होते हैं वो नीचे गिर जाएंगे। हमेशा सॉफ्टली हार्वेस्ट करना है और बिल्कुल भी खींचतानी नहीं करनी है, जिससे हमारा प्लांट डैमेज नहीं होगा। फाइनली दोस्तों कितनी सारी फ्रेश हमें चिलीज़ मिल चुकी है। और दोस्तों आप चाहे तो इनको रेगुलर बेसिस पे हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे। हमने तो यहाँ पर सारी एक साथ कर ली है, बट आप हर दूसरे तीसरे दिन चिलीज़ को हार्वेस्ट करते रहें तो आपको रेगुलर बेसिस पर चिलीज़ मिलती रहेगी और कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक मिलती ही रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं सनलाइट रिक्वायरमेंट। और दोस्तों चिली प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए और फ्लावर से चिली में कन्वर्ट होने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको किस तरह से हमारे 100% फ्लावर चिली में कन्वर्ट होंगे, वो है सनलाइट। अगर प्लांट के ऊपर 3 to 4 आवर की सनलाइट आ रही है तो आपका चिली प्लांट हेल्दी भी रहेगा, इसकी लीफ कल वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको बहुत सारी चिलीज़ भी मिलने वाली है। फुल डे ऑफ सनलाइट। और हाँ, चिली प्लांट का सीज़न चला जाता है तो आप उसको काट कर फेंकिए ना, उसका जैसे ही सीज़न आएगा वो बहुत सारे आपको फिर से चिलीज़ देने वाला है और ये 3 से 4 साल तक ये प्लांट आपके पास डेफिनेटली रहने वाला है। तो बिल्कुल भी फिकर मत करना और चिली प्लांट की अच्छे से केयर करना। चलिए अब मैं एक और स्पेशल फर्टिलाइज़र बताता हूँ और उसके बाद हम बहुत सारी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। ह्यूमिड सॉइल कंडीशनर। और दोस्तों इसकी 10 से भी ज़्यादा खूबियां हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 यहाँ पर शेयर करूँगा जो हमारे चिली प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। ह्यूमिड के देने से दोस्तों आपको सबसे पहले तो रूट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और रूट ग्रोथ होगी तो इसके अंदर क्रॉप यील्ड बढ़ेगा, मतलब इसके अंदर जो हमारी वेजिटेबल या फिर चिलीज़ है उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और ये सॉइल के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है काफ़ी लंबे समय तक। उससे हमारे प्लांट के अंदर मॉइस्चर की कमी नहीं होगी और यहाँ पर ये प्लांट की क्लोरोफिल की क्षमता भी बढ़ा देता है, जिससे प्लांट को ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसको देने का तरीका ये है कि 8 इंच से 10 इंच के गमले में आपको 1 स्पून देना है, 1 स्पून मतलब 10 से 15 ग्राम के आसपास। और अगर उससे ज़्यादा बड़ा गमला है तो आपको देना है 2 स्पून 10 से 20 ग्राम के आसपास। एंड फाइनली वाटर दीजिए और देखिए मैजिक, आपको कुछ ही दिनों में प्लांट के अंदर ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी और आप ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ बहुत सारे चिलीज और फ्रूट लेने लग जाएंगे। और हमारा ह्यूमिड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अब ये रहे उनके रिजल्ट। चलिए दोस्तों हार्वेस्ट कर लेते हैं हमारे चिली प्लांट से बहुत सारी चिलीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी रेड भी है, बहुत सारी ग्रीन चिलीज़ भी है। सो दोस्तों हमारी हार्वेस्टिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पर वीडियो को एंड करना होगा और आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।